प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा सातवीं की पुस्तक हनी कम की पोइम सात डैड द कैट एंड द ट्री, पिता बिल्ली और पेड़ पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। देखिए बच्चों, स्टक STUCK स्टक, स्टक मीन होता है अटक गई। वोबली WOBBLY वोबली मानी बुरी तरह से हिलना। स्कोफ्ड SCOFFED स्कोफ्ड मानी उपहास किया। स्वंग SWUNG स्वंग, स्वंग मानी झुलाया। रबीश RUBBISH रबीश मीनी बकवास। स्मिर्किंग SMIRKING स्मिर्किंग बनावटी मुस्कान। सेफ एंड साउंड सुरक्षित। स्मंग घमंड से भरी हुई SMUG स्मग मीनी घमंड से भरी हुई। आओ पढ़ते हैं अब क्वेश्चन आंसर। वाई वाज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल, पिता को ये विश्वास क्यों था कि वह नहीं गिरेगा। डैड वाज श्योर, पिता को विश्वास था दैट कि ही वुड नॉट फॉल, वह नहीं गिरेगा। बिकॉज क्योंकि ही कंसिडर्ड मनी मानता था हिमसेल्फ स्वयं को टू बी ए अडेप्ट क्लाइंबर, एक अच्छा चढ़ने वाला मानता था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, डिस्क्राइब वर्णन करो, प्लान ए का वर्णन करो और यह किस तरह बढ़ी। आंसर देखिए, प्लान ए वाज द यूज ऑफ ए लैडर, प्लान ए एक सीढ़ी का प्रयोग था। विच स्लिप्ड SLIPPED विच स्लिप्ड एंड द प्लान फेल्ड, जो फिसल गई और प्लान असफल रही। क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों, प्लान सी वाज सक्सेस, प्लान सी सफल हुई थी। व्हाट वेंट रोंग देम, तब क्या गलत हुआ। प्लान सी वाज सक्सीड, प्लान सी सफल हुई। एंड द कैट केम डाउन, और बिल्ली नीचे आई। बट द फादर गोट स्टक इन द ट्री, परंतु पिता पेड़ में फंस गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द कैट एंड द डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोइम। डिस्क्राइब मीनिंग वर्णन करो, बिल्ली और पिता की सिचुएशन स्थिति का वर्णन करो, शुरू में और अंत में, पोइम के अंत में क्या सिचुएशन थी उसका वर्णन करो। आंसर है बच्चों, इन द बिगिनिंग शुरू में द कैट वाज स्टक बिल्ली फंसी हुई थी, अपॉन द ट्री पेड़ के ऊपर, एंड द फादर वाज ऑन ग्राउंड और पिता जमीन पर था। बट इन द एंड परंतु अंत में द सिचुएशन वाज एक्सैक्टली द ऑपोजिट, सिचुएशन बिल्कुल विपरीत थी, यानी कि पिता पेड़ पर अल जावा था और बिल्ली ग्राउंड पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच फ्रेज इन द पोइम एक्सप्रेस, विच फ्रेज कौन सा वाक्यांश इन द पोइम मानी कविता में एक्सप्रेस व्यक्त करता है। डैड्स सेल्फ बेस्ट कॉन्फिडेंस, पिता के अच्छे आत्मविश्वास को कौन सा वाक्यांश व्यक्त करता है। एक क्लाइंबर लाइक मी, मुझ जैसा चढ़ने वाला, एक्सप्रेस डैड्स हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, ये वाक्यांश पिता के आत्मविश्वास को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, द कैट वाज वेरी हैप्पी, बिल्ली बहुत खुश थी, टू बी ऑन द ग्राउंड जमीन पर आकर। पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, इस विचार को व्यक्त करने वाला वाक्यांश ढूंढिए। द फ्रेज इज वाक्यांश है प्लीज्ड PLEASED प्लीज्ड मानी खुश होना, एज पंच यानी कि छलांग लगाकर खुश होना। तो बच्चों हमारी ये पोइम पूरी हुई, आशा है आपको समझ में आई होगी। बार बार पढ़ें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।